तो आजकल ऑलमोस्ट हर कोई स्मार्टफोन से फोटोज लेता है, आई एम श्योर आप भी फोटोज लेते हो गए। और हमारे फोन्स में एक मोड होता है जिसका नाम है प्रो मोड या मैनुअल मोड, जो हमें अलाउ करता है कि हम एज अ फोटोग्राफर या आर्टिस्ट अपने हिसाब से सेटिंग्स को एडजस्ट करके फोटोज ले पाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा एक्सपोजर, शटर स्पीड, ISO, कैसे आपको वाइट बैलेंस मैनेज करना है और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि कब मैनुअल मोड यूज़ करना है और कौन सी सेटिंग्स कैसे यूज़ करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड लेट्स सी कि आप इस मोड को कैसे क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। तो हमने अब ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा लिया है और मैनुअल मोड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इसका प्रीव्यू आता है पूरा। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा अबाउट शटर स्पीड। तो अब शटर स्पीड का बेसिक क्या है, जो आपकी मूवमेंट है सब्जेक्ट की उसको आप फ्रीज करना चाहते हो या मोशन में दिखाना चाहते हो, वो मेजरली हम शटर स्पीड से मैनेज करते हैं। और दूसरा शटर स्पीड का जो रोल होता है वो ये होता है कि हम लाइट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। जितनी फास्ट शटर स्पीड लेके जाएंगे उतनी लाइट रिस्ट्रिक्ट होगी, जितना हम स्लो करेंगे उतना लाइट अंदर आएगा। प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूँ। अब आप स्क्रीन पर देखो, अभी शटर स्पीड हमने ऑटो पर रखा हुआ है, ठीक है। तो फ़ोन अपने हिसाब से एक्सपोजर ले रहा है जो ऑलमोस्ट सही है। अब अगर मैं चाहूँ तो आप ये देखो, जितना मैं स्लो शटर स्पीड लेके जा रहा हूँ 1/20, 1/10 पे ऑलमोस्ट वाइट हो गया। अब आप में से कई लोगों का एक क्वेश्चन रहता है जो नया नया मैनुअल मोड यूज़ करना शुरू करते हैं कि हमारी फोटोज़ वाइट आती हैं। तो अब ये एक रीज़न है क्यों, बिकॉज हम शटर स्पीड इतना स्लो ले गए हैं कि अब जो लाइट कैमरा के अंदर आ रही है वो 1/15 ऑफ अ सेकेंड के लिए आ रही है, जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर रहा है सीन को। तो हमें क्या करना है, हम इसको धीरे धीरे फास्ट करते जाएंगे। अब देखो एक्सपोजर करेक्ट हो रहा है, अब मुझे ऑलमोस्ट 1/2000 के आसपास आके एकदम करेक्ट एक्सपोजर मिल रहा है। तो लाइट को कैसे कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे आपने देखा तो यही एक सबसे बड़ा इसका रोल है। अब हम सेकंड रोल की बात करते हैं जहाँ पे हम मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं शटर स्पीड यूज़ करके। और हाँ, इस चैनल पे फाइनली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं, आई थिंक कुछ दिनों में हो जाएंगे, जिसके लिए मैं एक मेगा गिव अवे प्लान कर रहा हूँ। बाकी की डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी, तो वहाँ पर आप स्टोरी चेकआउट कर सकते हो। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि शटर स्पीड में मोशन कैसे कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे अभी मैं शटर स्पीड 1/1000 ले रहा हूँ, जहाँ पे हम एक एक्शन कर रहे हैं, एक जंप हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको अगर मुझे फ्रीज करना है तो मुझे फास्ट शटर स्पीड यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखो, मैं अराउंड 1/1000 के आसपास लूँगा। रतनदीप रेडी, 1, 2, 3 जंप, एक और लेंगे, 1, 2, 3 जंप। तो अब आप ये फोटो देखोगे, आप देख रहे हो हाथ पैर सब कुछ एकदम फ्रीज है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी फास्ट शटर स्पीड रहेगी उतना मोशन को हम, मतलब ब्लर नहीं होगा, एकदम फ्रीज होगा। अब मान लेते हैं कि मुझे 1/250 से भी स्लो जाना है, तो अब देखो क्या होगा, जितना मैं शटर स्पीड स्लो करूँगा ना, मेरा जो फ्रेम है वो ओवर एक्सपोज हो रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है। और यहाँ मैं ISO भी मैंने मिनिमम रखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आपको डे टाइम में जब लाइट बहुत है और शटर स्पीड स्लो करनी है इन कैमरा, वो इम्पॉसिबल हो जाता है। जहाँ पे काम आता है ND फिल्टर, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ऑनलाइन बहुत ऑप्शंस हैं। हम जो यूज़ करते हैं वो स्काईविक सिग्नी है, ये ND फिल्टर है। तो इसको क्या करना है, सिर्फ कैमरा के आगे, जो आपका प्राइमरी कैमरा है उसके आगे मैं इस तरीके से लगा दूंगा। अब आप देख रहे हो 1/60th पे भी इतना डार्क हो रहा है, तो अब देखते हैं कितना स्लो मैं जा सकता हूँ। ओके, तो इसके हिसाब से हम 1/10th ऑफ अ सेकेंड जा पा रहे हैं। तो 1/250 से 1/10 जा पा रहा हूँ यूजिंग दिस ND फिल्टर। तो अब एक बार जंप लेते हैं, रतनदीप रेडी, 1, 2, 3 जंप। तो अब आप इस वाली फोटो में देखोगे हाथ पैर सब ब्लर आ रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज से आपको पता लगेगा कि शटर स्पीड का रोल क्या है, जितना फास्ट रखोगे उतना हम फ्रीज कर पाएंगे। और अगर आपको क्रिएटिवली ऐसा शॉट लेना है तो आप स्लो शटर स्पीड पर शूट कर सकते हो। तो अब हमने शटर स्पीड तो समझ लिया, नेक्स्ट जो कंट्रोल आता है मैनुअल मोड में वो है ISO। अब ISO का क्या रोल होता है, जो आपका सेंसर है कैमरा का, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उसको कितना हम ज़्यादा सेंसिटिव कर रहे हैं, वो हम ISO से मैनेज करते हैं। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं, मेरी स्क्रीन पर देखो ISO का आपको स्केल दिखेगा। कई फ़ोन्स में मिनिमम 50 होता है, कहीं में 100, और इसको मैं जितना इंक्रीज़ करते जाऊँगा ना, आप देखो क्या हो रहा है, एक्सपोजर बढ़ते जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जितना मैं ISO नंबर बढ़ाऊँगा, सेंसर को सेंसिटिव करूँगा लाइट के लिए, उतना मेरा एक्सपोजर जो है वो बढ़ता जाएगा। देखो मैं मैक्सिमम लेके जाता हूँ 3200, तो देख रहे हो ऑलमोस्ट वाइट हो चुका है और कैमरा फोकस करने में भी दिक्कत कर रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लाइट दिख रही है। तो ISO का पहला रोल ये होता है कि जहाँ हम एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। तो शटर स्पीड में भी वही चीज़ है, ISO में भी हम वही कर रहे हैं। तो अभी इस लाइटिंग के हिसाब से आप देखो, मैं ISO 100 या 50 के बीच में कोई भी यूज़ कर सकता हूँ जो मुझे करेक्ट लगे, और उस हिसाब से हम ISO सेट करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैं ISO 80 ले रहा हूँ, ये ISO लेके मैं एक फोटो ले लेता हूँ। सिमिलरली मैं थोड़ा सा ISO बढ़ा के
फोटो ले लेता हूँ। अब आप कंपैरिजन देखो, आपको क्लियर दिख जाएगा कि ISO जितना आप कम यूज़ करोगे उतना कम लाइट कैमरा के अंदर आएगा, और यूजुअली डे लाइट में क्या होता है जितना ISO कम रहे ना उतना बेटर है। तो अब मैं इंडोर सिचुएशन में हूँ और यहाँ पे लो लाइट कंडीशन है, बिकॉज नॉर्मल घर के अंदर जो लाइट रहती है वो थोड़ी कम ही होती है। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीन में देखोगे, ये देखो ISO को अगर मैं मिनिमम लेके जाता हूँ विच इज 50, या मान लेते हैं मोस्ट फोन में 100 होता है तो इसको 100 ही रखते हैं। अब यहाँ पे देखो मुझे जो शटर स्पीड इस एक्सपोजर के हिसाब से मिल रही है ना 1/50th ऑफ अ सेकंड के आसपास मिल रही है, जो नॉर्मली अगर मैं हैंडल शूट कर रहा हूँ मैं इसको अवॉइड करूंगा, बिकॉज 1/50 इतना सेफ नहीं है, एटलीस्ट 1/100 होना चाहिए, मैं 1/200 लेके चलूंगा। अब देखो 1/250th ऑफ अ सेकंड पे जब मैं शटर स्पीड लगेगा मेरा सीन पूरा डार्क हो गया, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है ISO बढ़ाने की। तो जब मैं अपना ISO अराउंड 640 लेके जाऊंगा अब मुझे एकदम करेक्ट एक्सपोजर मिल जाएगा। तो इससे हमें यह देखने को मिलता है कि जब अवेलेबल लाइट कम होती है तो हमें ISO बढ़ाना ही पड़ता है। ISO बढ़ाने के बाद थोड़ा नॉइस इंक्रीज हो जाता है, बट इस सिचुएशन में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम एक्स्ट्रा लाइट यूज करें जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। अगर ये लाइट नहीं होती तो और स्लो शटर स्पीड जाता, और मुझे ISO जो मैं 640 लेके जा रहा हूं मुझे कहीं ना कहीं ISO अराउंड 2000 लेके जाना पड़ता जिसमें और ज्यादा नॉइस आ जाती। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा लाइट रहेगी उतना ISO आप कम रख सकते हो, जितनी कम लाइट है उतना शटर स्पीड मैनेज करने के लिए आपको ISO बढ़ाना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट फीचर आपको मोस्ट ऑफ द मैनुअल मोड्स में मिलते हैं दैट इज़ रॉ फॉर्मेट, और ये बहुत क्रूशियल है बिकॉज अगर आप फोटोग्राफी करते हो जहाँ पे कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामिक रेंज मतलब हाईलाइट्स और शेडोज का डिफरेंस बहुत है, तो वहाँ पे रॉ मोड काफ़ी काम आता है। तो यहाँ पे अब मुझे काफ़ी अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, तो मैं एक फोटो ले रहा हूँ, पहले मैं JPEG में लूँगा फिर रॉ में लूँगा, ताकि मैं आपको कलर्स में डिफरेंस दिखा सकूँ साइड बाई साइड, कि आपको दिख जाएगा कि जो JPEG होता है उसमें प्रोसेस्ड इमेज आती है और रॉ में कैसे आपको नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। तो अब अगर आप साइड बाई साइड कंपेरिजन देखोगे यू कैन क्लियरली सी जो JPEG फोटो है आपको देखने में अच्छी लगेगी, बिकॉज फ़ोन के थ्रू उसमें कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, नॉइस रिडक्शन सब कुछ पहले से अप्लाई होकर आ रहा है, बेसिकली वो एक एडिटेड फोटो है। वही जो रॉ फोटो है उसमें आपकी कुछ भी प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं होती, आपको इमेज बहुत सिंपल सी दिखती है, बट उसको आपको एडिटिंग में ले जाके अपने हिसाब से प्रोसेस करना पड़ता है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको हेल्प करती है कि आप कलर्स, एक्सपोजर और इवन जो आपकी इमेज में नॉइस रिडक्शन है उसको आप खुद मैनेज कर सको। तो अब हम बात करते हैं एपर्चर और शटर स्पीड के कॉम्बिनेशन की, बट उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, कई बार हो सकता है आपको इतना टाइम ना मिले, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ कि यार शटर स्पीड और ISO को कैसे मैनेज करना है करेक्ट एक्सपोजर के लिए। तो एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे मोड मिलता है हमें, वो है एक्सपोजर कंपनसेशन। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरा सीन है, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो लेनी है। अब स्क्रीन के हिसाब से जितना मैं देख पा रहा हूँ मेरा एक्सपोजर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी मेरी शटर स्पीड भी ऑटो पे है, ISO भी ऑटो पे है, और कैमरा ऑटोमेटिकली अभी जो एक्सपोजर ले रहा है वो उतना करेक्ट नहीं लग रहा मुझे। तो हमें शटर स्पीड और ISO अलग अलग मैनेज करने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे EV का एक ऑप्शन मिलता है, EV इज़ बेसिकली एक्सपोजर वैल्यू या एक्सपोजर कंपनसेशन। तो इसको मैं जितना आप देखो माइनस की तरफ लेके जाऊँगा उतनी मेरी फ़ोटो डार्क होती जाएगी। सिमिलरली 0 से अगर अब मैं प्लस की तरफ लेके जाऊँगा ये देखो ब्राइट होते जाएगी। तो अब अगर मैं 0 पे अपना एक्सपोजर देखूँ तो मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसको +5 के साइड लेके आऊँगा जहाँ मुझे करेक्ट लग रहा है, और अब जब मैं फ़ोटो लूँगा तो मेरी जो फोटो है एज़ कम्पेयर टू 0 EV वो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिखेगी। तो अगर आपको कभी भी लग रहा है आप इन कॉम्बिनेशन में नहीं जाना चाहते, आप सीधा EV वाले को प्लस माइनस एडजस्ट करके एक्सपोजर मैनेज कर सकते हो। सो अब थोड़ा सा कलर्स की अगर मैं बात करूं तो प्रो मोड में आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस में क्या है, जैसे अब हम इस सिचुएशन में हैं जहाँ पे मैं ब्रिज की फ़ोटो लेना चाह रहा हूं, तो ऑटोमेटिक पे भी रख सकते हैं, और मैं आपको कुछ जो प्रीसेट्स होते हैं वो भी दिखाता हूं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ये फ्रेम की फ़ोटो ले रहा हूं, तो यहाँ पे अभी अगर मैं वाइट बैलेंस पे जाऊंगा विच इज़ ऑन ऑटो, तो एक फ़ोटो लेते हैं, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे आप जो स्केल देख रहे हो ये पूरा टेम्परेचर है, तो जितना मैं केल्विन में बढ़ाते जाऊँगा उतना आप देखो ये वार्म हो जाएगा, सिमिलरली उतना मैं जितना नीचे लेके आऊँगा उतना कूल टेम्परेचर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम वाइट बैलेंस को एडजस्ट करके फोटो में कितना कूल या वार्म इफेक्ट डालना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हो। अब लास्ट में बात करते हैं फोकसिंग की। तो मैनुअल मोड या प्रो मोड में आपको एक फोकस का भी ऑप्शन मिलता है, नॉर्मली वो ऑटोमेटिक पे होता है और मैं भी मोस्टली ऑटोमेटिक पे ही यूज़ करता हूँ, बट मैं आपको मैनुअल में भी दिखाता हूँ आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो अब देखो अगर मैं इसको ऑटोमेटिक पे रखूँगा तो जहाँ पे भी ऑटोमेटिकली मैं अपना मूव कर रहा हूँ, ये देखो फ़ोन इस तरीके से वो एडजस्ट कर रहा है फोकस, बट मान लेते हैं कि मुझे इंटेंशनली जो फोकस है वो कहीं और करना है या बहुत माइन्यूट फोकस में चेंजेस करने हैं, तो ये जो मैनुअल फोकस है ना ये देखो, कई फोन्स में आपको फोकस पीकिंग मिलेगी जैसे यहाँ ग्रीन कलर में दिखा रहा है, तो मुझे एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मेरा फोकस कहाँ पे हो रहा है। अगर ये नहीं है तो आप मैनुअली खुद जज कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो मैं पीछे भी फोकस कर सकता हूँ,
और अगर मैं चाहता हूँ एकदम पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस हो तो ये एडजस्ट करके वो भी कर सकता हूँ। सो ये था वीडियो जहाँ पे हमने बात करी कि आप अपने फ़ोन में प्रो मोड या मैनुअल मोड का यूज़ करके कैसे प्रैक्टिकली अलग अलग सिचुएशन में फ़ोटोज़ ले सकते हो, कैसे आपको शटर स्पीड मैनेज करना है, ISO, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ नया था, डू कमेंट एंड लेट मी नो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।